respected jury and respected house. I am Masooma Begum. I am from upper Assam, the district Lakhimpur, which is 400 kilometers far away from Guwahati. But I am staying now at Guwahati. तो मैं अपना स्टोरी से शुरू करना चाहूँगी. जब एनआरसी का फर्स्ट ड्राफ्ट निकला, तब जब मैं गुवाहाटी पे थी, मेरे अब्बा ने मुझे एआरएन नंबर दिया और मैंने लिस्ट चेक किया, तभी वहाँ सिर्फ मेरे अब्बा का नाम था और मेरे फैमिली में से किसी का नाम नहीं था पहले ड्राफ्ट में. लेकिन हम लोग निश्चिंत थे कि दूसरे ड्राफ्ट निकलेगा तब नाम आ जाएंगे. कोई टेंशन नहीं था क्योंकि हमारे पास सारे वैलिड प्रूफ था, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, तो कोई टेंशन नहीं था. जब सेकंड ड्राफ्ट निकला, तब भी मैंने ही अपना वो एआरएन नंबर लेके चेक किया, तो नंबर 1 पे मेरे पापा का नाम है, 2 पे मम्मी का नाम है, नंबर 3 पे मेरा नाम नहीं है, 4 पे मेरे भाई का नाम है, भाई मुझसे छोटा है, तो और मेरी बहन का नाम भी आया है, उसमें सिर्फ मेरा नाम नहीं था. तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब मुझे जैसे शकील और शाहजहान बोल के गए कि वो लोग एनआरसी के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी उन लोगों के साथ ही काम कर रही हूँ फील्ड में. एनआरसी के लिए एनआरसी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही हूँ या फिर लोगों को फॉर्म भरने में भी हेल्प कर रही हूँ. तो मेरा क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, असम गवर्नमेंट के अंदर वो लोग नौकरी करते हैं, और मेरी ग्रैंडफादर भी असम गवर्नमेंट के अंदर ही नौकरी करते थे, रिटायर्ड हो गए हैं अभी. मतलब मेरे हम जैसे लोगों को मतलब पता होता है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या देना है, और ये हादसा हमारे साथ ही जब हो रहा है तो हम लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस जैसे हमारा गिर रहा है, ऐसा होता है. और ये शायद ये ऐसा कर है, मतलब हमारे साथ करवा जा रहा है कि ताकि हम लोग अपना कॉन्फिडेंस खो जाए, हम फील्ड पे ना जाए, लोगों को हेल्प ना करें. जब मेरा नाम एक्सक्लूड हुआ था, तो मैंने जब अप्लाई किया कि क्यों एक्सक्लूड हुआ है, रीज़न जानना है मुझे, तब ये बताया गया था कि मेरा जो लिगेसी मैंने सबमिट किया है उसके साथ लिंकेज नहीं कर पा रहे. मैंने लिगेसी दिया था मेरे ग्रैंडफादर का, जो 1951 के एनआरसी में उनका नाम था. मेरे ग्रैंडफादर का नाम 1951 के एनआरसी में था. सेम डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके मेरे फादर का नाम, मेरे अंकल्स का नाम आ गया, और मेरे फैमिली में सब का नाम आ गया था, सिर्फ मेरा नाम नहीं आया था. और मैं रहती हूँ गुवाहाटी में, जो कि मेरी होम डिस्ट्रिक्ट से 400 किलोमीटर दूर है. तो कभी भी मतलब फ़ोन आ जाता था कि आपको, हाँ मासूमा जी, आपको यहाँ पे बुलाया है, आप यहाँ आ जाइए, आपका हेयरिंग है. तो मैं बोलती थी कि मैं तो अभी नहीं जा सकती हूँ, मतलब आप लोग अभी बुलाएंगे तो अभी तो नहीं जा सकती हूँ. मतलब ऐसे बुलाते थे कि 10 मिनट में हो सके तो आप पहुँच जाओ. फिर मैं जब उल्टा उन लोगों को पूछती थी कि क्यों बुलाया है, मतलब मुझे पता है ना कि आप लोग ऐसे करके किसी कभी भी नहीं बुला सकते हो, तब वो लोग एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते थे कि नहीं ठीक है, आप नहीं आना आ पा रहे हो तो आपके फादर को भेज दो, ऐसे करके. फिर जब मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था, बाद में मैंने अप्लाई किया था सेकंड लिस्ट पे. फर्स्ट सेकंड लिस्ट में जब नाम नहीं आया था, तब मैंने फिर से अप्लाई किया था. उसके बाद मेरा हेयरिंग हो गया. हेयरिंग होने के बाद क्या बोलते हैं, 31 अगस्त को जो लिस्ट निकला है, उसके 2-3 दिन पहले मुझे कॉल आया वहाँ लखीमपुर से, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट से कॉल आया कि आपके नाम, आपको हम यहाँ लखीमपुर सर्कल ऑफिस पे हेयरिंग हो रहा है, वहाँ आप आ जाइए. आप लोग ये सोचिए कि जब लिस्ट निकलेगा उसके 2-3 दिन बाद मुझे 400 किलोमीटर दूर से बुला रहे कि आप आ जाइए. ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैं जा पाऊँ? हर वक्त तो मैं फ्री भी नहीं रहती हूँ कि मतलब बुलाए और चले जाए. तो ये देखिए कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है. हमें तो नॉलेज है एटलीस्ट कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. और जिन लोगों को पता नहीं होता है कि क्या करना है, जो लोग अनएजुकेटेड है,
एनआरसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जो लोग बेसिकली चौर एरिया पे रहते हैं उन लोगों के साथ क्या हो क्या क्या नहीं हो सकता है। तो मैं जो लोग जो ओमेन एक्सक्लूड हुआ है उन लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। हम लोगों ने फील्ड पे काम करके कुछ मतलब रीज़न निकाला है कि इस कारण से वुमेन एक्सक्लूड हो सकता है, और उसी रीज़न है। पहला तो है लैक ऑफ एजुकेशन, जो बोल शाहजहान बोल के गए हैं कि ओनली 19% लोग एजुकेटेड है चौर एरिया में, उनमें से वुमेन ज़्यादा अनएजुकेटेड है। उन लोगों को तो स्कूल जाने का मौका तक नहीं मिलता, और 10-12 साल की उम्र में उन लोगों को शादी करवा दिया जाता है। तो चाइल्ड मैरिज के वजह से उन लोगों को चाइल्ड मैरिज की वजह से मतलब उन लोगों को ना एजुकेशन रहता है, उसके ऊपर चाइल्ड मैरिज हो जाता है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं। तो इनके एज के वजह से वो लोग मतलब एनआरसी के बारे में पता भी नहीं होता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। इसके वजह से ज़्यादातर महिलाएं लेफ्ट आउट हो गया है एनआरसी से। तो और एक है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, वो लोग बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से उन लोगों के पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है एजुकेशन का। तो ज़्यादातर महिलाओं ने क्या किया कि पंचायत का सर्टिफिकेट निकाल कर सबमिट किया, लेकिन वो बाद में यह हुआ कि पंचायत का सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट नहीं कर एनआरसी अथॉरिटी पंचायत का सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो महिलाएं भी लेफ्ट आउट हो गया है। बाकी मेरी फ्रेंड्स की तरह यही मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग भी हमारे हम लोगों पे जो गुज़र रहे हैं वो समझ के हमें थोड़ा जैसे भी हो हमें दिशा दिखाने की कोशिश करें, ताकि हम लोग हार ना माने और काम करने की हमें ताकत मिले। थैंक यू।